खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो। शराब पकौड़े बेचने से नहीं होगी बेरोजगारी खत्म, 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 युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार, कोई ठोस रोजगार नीति को जम्मू कश्मीर में लागू करने की मांग को लेकर है। देखिए सरकार पकोड़े, पहले पकोड़े बेचने और अब जो है शायद शराब के बार खोलने या शराब बेचने को रोजगार के रूप में, प्रयासों के रूप में देख रही है। हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आबकारी विभाग की नई नीति को देखा जाए तो उसमें बेरोजगार युवाओं को शराब के बार खोलने को लेकर 2 लाख रुपए की छूट दी जा रही है। और मुझे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का करीब 2 वर्ष पूर्व दिया गया वक्तव्य याद आता है, जब उन्होंने पकोड़ों बेचने को भी रोजगार की श्रेणी के अंदर रखा था। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि मात्र पकोड़े बेच और शराब बेचकर जो है युवाओं को रोजगार देने का जो प्रयास किया जा रहा है उससे बाहर निकलें और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए यहां पर रोजगार देने के लिए कोई ठोस नीति लागू की जाए। देखिए धारा 370 को हटे हुए भी अब 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो इस दौरान अगर केंद्र सरकार ने या जम्मू कश्मीर सरकार ने युवाओं को कुछ दिया है तो सिर्फ अंधकारमय भविष्य, उनको आगे का भविष्य सोचकर बहुत चिंता सताने लगी है। और मैं सरकार से बार बार अपील करता हूं कि युवाओं को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर ना किया जाए, उनके लिए जल्द से जल्द कोई ठोस रोजगार नीति को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाना चाहिए।